नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी महिला से 50,000 रुपए की लूट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आदित्य गुप्ता निवासी महावीर घाट थाना कोतवाली जनपद बलिया अस्थायी पता न्यू शिवपुरी कॉलोनी कान्हा उपवन भवन के पास फल मंडी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50,000 रुपया नगद एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं आईपीएल में पैसा हारा हुआ था, जिस कारण मुझे पैसों की आवश्यकता थी। पैसे की तलाश में 16 मई को नहर रोड के पास ही बैठा हुआ था कि एक दुबली पत्ती महिला को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा रुस्तमपुर आजाद चौक थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर में जाते हुए देखा। मैंने महिला का पीछा किया और उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मैंने उस महिला को रुपए की नोट गिनते हुए देखा। वह महिला बैंक से निकलकर टेम्पो से जाने लगी तो मैंने उस टेम्पो का अपनी मोटरसाइकिल से पीछा किया और जैसे ही वह महिला जीडीए पंप हाउस लहसड़ी रोड पोखरे के पास टेम्पो से उतरकर जाने लगी तो सही समय व स्थान देखकर मैंने झपट्टा मारकर महिला के हाथ से पॉलिथीन में रखे हुए 50,000 रुपए लूटकर तेजी से अपनी मोटरसाइकिल से भाग गया, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संजय कुमार यादव, बब्बन प्रसाद वर्मा, कांस्टेबल नकीब खां, प्रदीप चौधरी, राहुल यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कुछ लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने 16 मई को अब एक 50,000 की लूट हुई थी, उसका सफल अनावरण किया है। उल्लेखनीय है कि 16 मई 2023 को 1:30 बजे के आसपास एक महिला प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी है, जो ये अपने खाते में 50,000 रुपये क्रेडिट हुए थे उसको लेने के लिए पीएनबी बैंक पे आई थी। बैंक से पैसे निकालने के बाद में वो वहाँ बैठ के नोट गिन रही थी, तभी ये अभियुक्त जिसने लूट कारित की है, ये उसके पास में बैठा था। उसने देखा कि काफ़ी सारे पैसे गिन रही हैं। निकलने के बाद में वो महिला ऑटो में बैठी तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो होंडा शाइन है उससे पीछा किया और जहाँ ये महिला उतर के सुनसान जगह अपने घर के पास जा रही थी वहाँ पीछे से झपट्टा मार के फरार हो गया। उसके बाद में उस महिला ने निकटतम पुलिस थाने पे मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद में थाना रामगढ़ ताल द्वारा बैंक का सीसीटीवी निकलवाया गया और वहाँ से इस व्यक्ति का फुटेज क्लियर हुआ और उसके बाद में जहाँ तक इसने लूट कारित की वहाँ का फुटेज लिया गया, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ में नहीं लगी। उसके बाद में पुलिस ने जहाँ से ये लूट कारित करने वाला व्यक्ति आया था वहाँ की फुटेज चेक की, करीबन 60-65 कैमरे इस पूरे 7 दिन के इस अभियान में पुलिस ने चेक किए। उनके आधार पर इस अभियुक्त जिसका नाम आदित्य गुप्ता सन ऑफ राजकुमार गुप्ता है, 20 वर्षीय है, इसको ट्रेस किया गया। इसको गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 50,000 रुपये लूट कारित किए गए, 100% रिकवरी की गई है। होंडा शाइन बाइक जिससे लूट कारित की गई थी वो भी पकड़ी गई है और उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति इससे पूछताछ करने पर यह बताया कि इसने लूट इसलिए की क्योंकि ये आईपीएल के अंदर सट्टे में पैसे हार गया है और इसके तमाम अन्य खर्चे उनको पूरा करने के लिए इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसका किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं। थैंक यू। गोला थाना क्षेत्र के मन्नीपुर सहडौली गांव में बीती रात लगभग 11:30 बजे एक बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने नित्य प्रकाश राय को बिस्तर से जगाकर 50 कदम दूर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली नित्य प्रकाश के कूल्हे पर लगी। अगल बगल के लोग दौड़ पड़े लेकिन हमलावर बाइक लेकर फरार हो गए। घायल को सीएससी गोला पर परिजन लाए। खून का रिसाव काफी हो रहा था। डॉक्टर ने उपचार देकर तत्काल मेडिकल कॉलेज भेज दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के कारण का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया है। मन्नीपुर निवासी नित्य प्रकाश राय मंगलवार की शाम को खाना खाकर अपने दरवाजे पर सोए थे।
रात लगभग 11:30 बजे एक बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और उन्हें जगाकर बात करते हुए 50 कदम दूर ले गए। आए हुए व्यक्तियों का रुख देखकर नित्य प्रकाश वहां से पीछे मुड़कर भागना चाहे कि हमलावरों ने जान मारने की नीयत से असलहे से गोली चला दिया। गोली नित्य प्रकाश के कूल्हे पर जा लगी और तुरंत वह गिर पड़े। बगल में अपने दरवाजे पर सोए बुजुर्ग कैलाश राय ने गोली की आवाज सुनकर दौड़े और शोर मचाए। हमलावर घटनास्थल पर हथौड़ा व लाल मिर्च पाउडर छोड़कर बाइक से भाग निकले। घटनास्थल पर गांव के लोग एकत्र हो गए। खून का रिसाव काफी शुरू हो गया। उपस्थित लोगों ने उनसे बार बार पूछने का प्रयास किया कि गोली मारने वाले कौन थे। उनका जवाब रहा कि अभी बताएंगे, लेकिन अंत तक नाम नहीं बता पाए। परिजन एम्बुलेंस से CSC गोला पर लाए, मुकामी थाने पर भी घटना की सूचना दिए। सूचना पाकर गोला पुलिस पहुंच गई। डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखकर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस द्वारा मेडिकल कॉलेज पहुंचे वह भर्ती हो गए। शरीर से काफी खून गिर जाने के कारण सुबह 5 बजे इलाज के दौरान नित्य प्रकाश की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के दो पुत्र हैं, एक 12 वर्ष का रोजगार के लिए गया है और दूसरा घर पर था। गोला पुलिस घटना की छानबीन शुरू कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, जनपद में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को अवगत करवाया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, बीती रात 11:30-11 बजे के आसपास थाना गोला के मन्नीपुर सडौली गांव में नित्य प्रकाश राय, जो अपने दरवाजे पे सोए थे और उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, उन पे किसी दो अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। फायर आर्म इंजरी आई, परिजन लेकर के CSC गए, पुलिस को सूचना दिया, वहाँ से उन्हें जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ सवेरे लगभग 6:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के आधार पर आगे इसमें 302 IPC में तरमीम करके कार्यवाही की जाएगी और जो अज्ञात अभियुक्त हैं उनके बारे में लगातार हमारी टीमें गाँव और उसके आसपास प्रयास कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या है और फिर कारण की जानकारी होते ही इसमें कौन लोग शामिल हैं उसकी जानकारी होगी और अनावरण करके इन अज्ञात अभियुक्तों को कानून के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी। जनपद में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसके संबंध में प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई है, जिसमें सभी अधिकारियों ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को अवगत करवाया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा वाटर लॉगिंग से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। हमारे जनपद में जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो बाढ़ की तैयारियों को लेकर के कल अर्थात 23 मई को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर आयुक्त महोदय और महानगर क्षेत्र के जितने भी संबंधित अधिकारी थे, विद्युत विभाग, बाढ़, सिंचाई विभाग, सभी लोग वहां पर थे। सभी ने अपनी तैयारियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। हम सभी तैयार हैं और इस बात पर भी चर्चा हुई कि नगर क्षेत्र में अगर कहीं पर वाटर लॉगिंग एरिया है तो वो उस एरिया को कैसे क्लियर रखा जाए, जिससे इस बार की वर्षा में कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो और किसी को कोई असुविधा ना हो। गोरखपुर की मोहद्दीपुर की रहने वाली दृष्टि जायसवाल ने UPSC की परीक्षा में 255वां रैंक लाकर गोरखपुर सहित पूरे देश का नाम रोशन किया।
जिसके संबंध में आईएएस दृष्टि जायसवाल ने बताया कि यूपीएससी में मेरा चौथा अटेम्प्ट था और 5 साल से तैयारी कर रही हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से हुई है। मैं महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल थूसड़ से स्टैटिक कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता व मेरे परिवार के सभी सदस्यों व मेरे दोस्तों को जाता है, जिन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह मेहनत करते रहें और अपनी कमियों को ढूंढकर उसको दूर करें। इसके अलावा सभी गार्जियन अपने बच्चियों को पढ़ाएं, यदि वह पढ़ना चाहती हैं तो उनको ज़रूर पढ़ाएँ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आईएएस दृष्टि जायसवाल, रमाशंकर जायसवाल, माता सुनीता जायसवाल, निषाद पार्टी के नेता वीके सिंह ने कहा, थैंक यू सो मच सर। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था यूपीएससी में और मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था और 5 साल से मैं ये तैयारी कर रही हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सब गोरखपुर से ही हुई है। पहले सेंट जूड स्कूल, फिर डिवाइन पब्लिक स्कूल, फिर मैंने बीएससी किया है स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल धूषण से। इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को, अपने मम्मी पापा, अपने भैया और मेरे पूरे परिवार को, मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और मेरी दीदी, सब लोग बहुत ही सपोर्ट करते थे, इमोशनल सपोर्ट करते थे। तो मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगी, मेरे दोस्तों को देना चाहूँगी। मेरे दिल्ली में कुछ ऐसे दोस्त बने जिन्होंने बहुत हेल्प की। मेरा बेस्ट फ्रेंड है देशार्थ, बहुत हेल्प की है मेरे दोस्तों ने। तो मैं पूरे अपने परिवार और दोस्तों को इसका श्रेय देना चाहूँगी। जो तैयारी कर रहे हैं पहले उनको मैं बहुत ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी और एंड डेफिनेटली बहुत लोग आगे आएंगे, आगे फ्यूचर में आप भी होंगे यहाँ पे। और मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस खुद ढूंढें और उस पर वर्क करें। कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, कुछ वीक होगा, आप उस पर वर्क करें। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ही है जो इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिला सकता है। देखा जाए टॉप 4 में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही रही हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, जम्मू में शादी कर देते हैं, हाई स्कूल वाले निकल के बाद, ऐसे माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, रिज़ल्ट के बाद आप देख ही रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि लड़कियां बिल्कुल ही आगे आ रही हैं और हर एक क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज में नहीं, स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, हर एक जगह पे। तो ये एग्जांपल सेट हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे पेरेंट्स ज़रूर अपने बच्चों को भेजेंगे और ये धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जब मैं कॉलेज में थी तो इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चला और सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप हर एक वर्ग की सहायता कर सकते हैं, बूढ़े, बुज़ुर्ग, महिलाएं, और अपने सोसाइटी के काम आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम को देने का सोचा। बहुत खुशी है और बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और उनकी सफलता उनके सामने है और आप लोग के सामने। जो बच्चे ऐसे माँ बाप जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्या बच्चे के पिताजी हैं, हर गार्जियन को मेहनत कराना चाहिए बच्चों को और बच्चों के जो बच्चे कहते हैं उनको कराना चाहिए, जो बच्चों का रुचि हो हर चीज़ में, हर लोगों को, हर गार्जियन को जैसे भी है उनको एजुकेशन दिलाना चाहिए। अपना नाम? रमाशंकर जायसवाल। बहुत खुशी है। जो बच्चे पढ़ाते हैं क्या करना चाहेंगे? हम तो सभी माताओं से कहेंगे कि बेटियों को सबसे आगे रखना चाहिए और माँ को ही मतलब बेटी का हौसला बढ़ना चाहिए, एक दिन बिटिया जरूर नाम करेगी। सुनीता जायसवाल। पढ़ाने के लिए तो हमें लगता है कि कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि बच्चे ना पढ़ें, लेकिन बच्चों से मैं निवेदन करूँगा कि जैसे आज दृष्टि ने अपने माता पिता का गाढ़ी कमाई का पैसे का जो इस्तेमाल किया और आज उसका नाम रोशन करने का काम किया, उनका क्या पूरे हमारे गोरखपुर ज़िले का शान बन गई। इसी तरह हर बच्चे को चाहिए कि कुछ न कुछ बन के अपने माता पिता का तो नाम रोशन करें ही और अपने ज़िला का भी नाम रोशन करें। उनके माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? उनके माँ बाप से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अपनी दो रोटी कम खा के बच्चे को पढ़ाएँ लिखाएँ, उनको सुविधा दें ताकि वो पढ़ पाए। हमारा वीके सिंह नाम है, निषाद पार्टी का नेता हूँ और बच्ची को आशीर्वाद देने आया हूँ।
गोरखपुर की रूपल श्रीवास्तव ने यूपीएससी की परीक्षा में 113वीं रैंक लाकर आईएएस बनकर गोरखपुर सहित देश का नाम रोशन किया, जिसके संबंध में आईएएस रूपल श्रीवास्तव ने बताया कि मैंने 2019 से आईएएस की तैयारी की थी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी लिया था। मेरा यूपीएससी में 113वां रैंक आया है, जिसका श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ। इसके अलावा मेरे गुरुजनों का भी पूरा सहयोग रहा है, जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट चुनने में गाइड किया है और मेरे दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वह बच्चे अपना टारगेट बनाएं, हर महीने अपने टारगेट को कंप्लीट करें और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार करें। उन्होंने बच्चियों के माता पिता से अपील करते हुए कहा, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। उन्होंने कहा, मेरे पिता सिविल सर्विसेज में हैं, जिसके कारण मेरा रुझान सिविल सर्विस पर था, क्योंकि अब इसमें आकर हर तरह का कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आईएएस रूपल श्रीवास्तव ने कहा, थैंक यू। किस तरह से आपने इस सफलता को हासिल किया, कितने वक्त ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें मुझे 113th रैंक मिली और मैंने तैयारी 2019 से स्टार्ट की थी, अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी लिया था मैंने। इसका श्रेय किसको लेंगे, इतने बड़े बहुत लोगों को श्रेय है। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया, अच्छे टीचर्स का, मेंटर्स का, जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज मुझे गाइड किया, और बहुत हद तक एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल भी है, जिसने हमेशा मोटिवेटेड रखा, जब भी लो फेजेस आए तब भी। तो बहुत सारे लोगों का मिला जुला कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, जो अभी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे उनके लिए क्या, किस तरह तैयारी का क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए, प्लान बनाइए, और उसको आप छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कीजिए, मंथली, वीकली, डेली, और फिर उन टारगेट्स को कंप्लीट करने पे फोकस कीजिए। जो भी इस प्रोसेस में आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उन मिस्टेक्स पे काम कीजिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। तो देखा जाए पूरे देश में लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है, टॉप फोर में जो लड़कियाँ आई हैं, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, क्या उनके लिए संदेश देना चाहेंगे? जी, ये टॉप फोर में जो आई हैं लड़कियां, या पूरे रिजल्ट में ही लड़कियों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट लाया है, तो बस ये मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के जो भी बैरियर्स हैं उनसे घबराइए मत, आप अपनी फुल मेहनत कीजिए और आपके एफर्ट्स को देख के ज़रूर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी अगर लड़कियों की पढ़ने की इच्छा है और मेहनत करने की उनमें कैपेबिलिटी है, तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनके माँ-बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनको अपनी बच्चियों को प्रोवाइड कीजिए, ताकि अगर वो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हैं, वो उसको यूटिलाइज कर सकें। पापा मेरे सिविल सर्विसेज में हैं, तो बचपन से वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि इस सर्विस में अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ों में एक साथ योगदान देने का मौका मिल सकता है।